हाल ही में सोशल मीडिया पर आदित्य नारायण के गुस्से का किस्सा छाया हुआ है। आदित्य का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे एयरपोर्ट स्टाफ को गुस्से में बुरी तरह गालियां देते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जहां एक तरफ लोग ऐसा करने के लिए उन्हें बुरा भला बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। दरअसल लगेज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज को लेकर आदित्य को गुस्सा आ गया और वे एयरपोर्ट स्टाफ से भिड़ गए। वहीं कुछ समय पहले एक ट्रेस पायल रोहतगी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। देरी से पहुंचने के चलते पायल को एयरपोर्ट स्टाफ ने अंदर जाने से रोक दिया था, जिसके बाद पायल ने फेसबुक पर लाइव होकर गुस्से में जमकर गालियां सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें भी पब्लिक की नेगेटिव प्रतिक्रियाएं। वहीं सिर्फ आदित्य और पायल ही नहीं, बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज भी गुस्से में ऐसे ऐसे कारनामे कर चुके हैं कि उन्हें फैंस के काफी नेगेटिव रिएक्शंस मिले। आगे जानिए सलमान से लेकर अक्षय तक ऐसे स्टार्स जो गुस्से में कर बैठे ऐसा काम। संजय दत्त अपने बर्थडे के दिन जब संजय दत्त घर से बाहर निकले तो मीडिया का जमावड़ा देख कर गुस्सा गए। उन्होंने पहले सभी मीडिया वालों से दूर रहने के लिए बोला और नहीं मानने पर संजय ने बेहद भद्दी गाली देकर अपना गुस्सा जाहिर किया। सुशांत सिंह राजपूत भी ऐसे सेलिब्रिटी हैं गुस्सा जिसकी नाक पर रहता है। राब्ता के प्रमोशन के दौरान ऐसे दो मौके आए जब मीडिया के सवालों पर सुशांत आपा खो बैठे। इस दौरान भारतीय सिपाही कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में दिए गए सजाए मौत के फैसले पर सवाल किया था। सुशांत कोई जवाब देने के बजाय रिपोर्टर से उलझ गए। काफी बहस होने के बाद सुशांत ने कहा कि अगर हमें किसी विषय के बारे में ठीक से नहीं जानते तो हमें इस बारे में बात ना करने का हक है। ऋषि कपूर वेटरन एक्टर ऋषि कपूर सोशल मीडिया के साथ रियल लाइफ में भी अपने गुस्से के लिए मशहूर हैं। पिछले साल गणपति विसर्जन के दौरान एक फोटोग्राफर पर ऋषि इतना भड़क गए कि उसे धक्का दे दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वो मुंबई पुलिस की तरह भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया में ऋषि के भड़कने के कई किस्से हैं। रणबीर कपूर यूं तो बहुत शांत स्वभाव के माने जाते हैं, मगर 2013 में उन्होंने ऐसा काम कर दिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। बांद्रा इलाके में रणबीर डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ डिनर के लिए गए हुए थे। जब फोटोग्राफर्स फोटो ले रहे थे तो रणबीर ने एक से कैमरा मांगा, फोटोग्राफर ने कैमरा दे दिया। रणबीर कैमरा अपने साथ लेकर चले गए और इसे वापस लेने के लिए सीनियर को कॉल करने के लिए कहा। सलमान खान अब भले ही मिस्टर कूल दिखने लगे हों, मगर एक वक्त था जब दबंगई दिखाने में चूकते नहीं थे। कुछ साल पहले अनिल कपूर की बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त सलमान ने एक फैन को थप्पड़ मार दिया था। फैन की खता थी कि उसने सलमान से गले मिलने की कोशिश की थी। सैफ अली खान भी टेंपर लूज करने के लिए खबरों में रहे हैं। 2012 में एक एनआरआई बिजनेसमैन ने पुलिस में सैफ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने मुंबई के एक होटल में उसके साथ मारपीट की है। गोविंदा कई साल पहले एक फिल्म की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने एक फैन को थप्पड़ जड़ दिया था। मामला अदालत तक पहुंचा और कोर्ट ने गोविंदा को माफी मांगने के साथ फैन को मुआवजा देने का आदेश दिया था। शाहरुख खान कुछ साल पहले मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान शाहरुख खान ने भी आपा खो दिया था। एक सिक्योरिटी पर्सन ने किंग खान की बेटी सुहाना खान को कथित तौर पर पुश किया था, जिसके बाद शाहरुख भड़क गए और गार्ड के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद एमसीए ने शाहरुख की एंट्री स्टेडियम में बैन कर दी थी।